नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लाइव सिटीज में आज हम आपको लालू प्रसाद यादव की कुंडली के विषय में बताने जा रहे हैं। ये भी बताएंगे कि आखिर क्या कारण है जो लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बार बार जेल से छूटते छूटते रह जाते हैं। इस चर्चा के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिष आचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आचार्य जी के विषय में आपको बता दें कि आचार्य जी जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं। देश विदेश के लोग इनसे ज्योतिषीय परामर्श लेते हैं। तरह तरह की हस्तियां, अलग अलग क्षेत्र की हस्तियां, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स के लोग हो, इनसे ज्योतिषीय परामर्श लेते हैं और आगे भविष्य में क्या करना है ज्योतिष विद्या के अनुसार इनसे सुझाव लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं आचार्य जी, आज चर्चा हम लालू प्रसाद यादव के विषय में करने जा रहे हैं। बिहार के जाने माने चेहरे हैं लालू प्रसाद यादव, बाहर में उनके नाम से बिहार की कहीं ना कहीं पहचान मानी जाती है। बड़ा सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी है, क्योंकि हम कानूनी कारण जानते हैं। फिर से एक तारीख मिली है 11 दिसंबर की, सुनवाई होनी है कि कानून के तहत आगे जो भी कार्रवाई होगी उसको तो सब जान रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की कुंडली क्या कहती है ये तो जानेंगे कि कब आगे क्या होगा उनके साथ, लेकिन आप ये बताएं सबसे पहले कि उनकी कुंडली क्या कहती है लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी की जो कुंडली है वह सिंह लग्न की कुंडली है। इनके दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे स्थान में गुरु और केतु विराजमान है, और इनके चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह नहीं है, और इनके पांचवें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, छठे स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है, और इनकी जो राशि है वह कुंभ राशि है, और इनके अष्टम स्थान के स्वामी जो हैं बृहस्पति हैं वहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, और ये तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में शुक्र मंगल और राहु की युति है। यहाँ अंगारक नामक और अभोत्वक नामक ग्रहण जो का सृजन हुआ है। दशम स्थान में इनके सूर्य विराजमान है, और एकादश स्थान में बुध और शनि की युति है, और वर्तमान में जो दशाएं चल रही हैं वह शुक्र की महादशा है और गुरु का अंतरदशा है और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। ग्रह की यही स्थिति बनी हुई है जी। अगर आसान शब्दों में पूछें तो शुक्र की महादशा होने का या फिर जो भी आपने कहा उसका मतलब क्या होता है, हमारे दर्शक अगर आसान शब्दों में जानना। जी बिल्कुल, शुक्र इनके लिए देखना है कि शुक्र जो है इनके लिए शुभ ग्रह नहीं है, और शुक्र की महादशा है, और गुरु जो है गुरु का अंतर है तो, और राहु का प्रत्यंतर है, तो राहु जो है वह डिसकंस्ट्रक्टिव ग्रह है। वह यहाँ आके गुरु के साथ गुरु चंडाल योग का सृजन कर दिए हैं, शुक्र के साथ आके अभूतक नामक ग्रहण योग बना दिए हैं। आप देखेंगे कि एक तो कुंडली में इनके हम पहले से ही जब इन्होंने जन्म लिया उसी समय से ग्रहण योग बना हुआ है। ये भाग्य स्थान में शुक्र और मंगल के कारण जो मैंने अंगारक नामक ग्रहण योग कहा, अभूतक नामक ग्रहण योग कहा, और वर्तमान में जो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर है वो भी ग्रहण वाला है, और इनके कुंडली में अष्टम स्थान के भी स्वामी जो हैं वह देवगुरु हैं, और सिंह लग्न के लिए शुक्र जो होते हैं अशुभ फलदायक होते हैं और वह परेशानियां देने वाले हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे शुक्र जो है, शुक्र अपनी सातवीं इनकी जो दृष्टि होती है पूर्ण दृष्टि होती है, और वह जो है वह बृहस्पति को देख रहे हैं, और बृहस्पति जो है अपनी पाँचवीं दृष्टि से यह जो है अपनी राशि को देख रहे हैं, अपनी सातवीं दृष्टि से यह भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और अपनी नौवीं दृष्टि जो है इनकी लाभ स्थान पर बनी हुई है। तो शुक्र ही इनके लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं, साथ में राहु का अंतरदशा। राहु चूंकि बार बार उन्नति के करीब, बेल के करीब लाकर इनको परेशानियां दे रहा है। जी, तो आपने बात बेल की तो हम बेल और वो जो सजा काट रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता है, उनका जो जुर्म है वो सिद्ध है, ये तो सबको पता है, लेकिन ग्रहों कौन से ग्रह वो कारक रहे हैं जिसके वजह से लालू प्रसाद यादव को इस उम्र में इतनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, और हर बार आपको भी पता है कि अगली तारीख मिल जाती है, क्या कारण है जो हर बार बेल लेने से चूक जाते हैं? राहु जो है इनके लिए परेशानी के कारक बने हुए हैं, ये जन्म समय से लेके, जन्म कुंडली से लेके वर्तमान में भी, और शुक्र भी इनके लिए अकारक हैं और परेशानीदायक बने हुए हैं। यह दो जो ग्रह है इनके लिए जेल में परेशानी या कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां इनको दिखा रहा है।
जी ग्रह क्या कहते हैं, लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, क्योंकि उनके हेल्थ को लेकर उनके परिवार वाले, उनके चाहने वाले भी काफी चिंतित होते हैं, उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई। जी देखिए, अप्रैल तक प्रत्यंतर राहु का है और उसके बाद शनि का अंतर आ जाएगा, और शनि चूंकि इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह नहीं है, वो सातवें सिंह लग्न के लिए सबसे अगर शत्रु ग्रह कोई होते हैं तो वो शनि होते हैं, और अप्रैल से गरिमा जी शनि की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। यह अंतर्दशा भी इनके सेहत के दृष्टिकोण से और जो है इस जेल वाला जो इनका प्रकरण है, इन दोनों को लेकर इनका बेहतर रहने वाला नहीं है। तो ये तो बात हो गई उनके स्वास्थ्य की, और आपने बताया कि अभी जो समय है वो उतना भी अच्छा नहीं चल रहा है लालू प्रसाद यादव के लिए, लेकिन ये भी जानने की जरूरत है कि ज्योतिष विद्या में इन सारे जो मुश्किलें हैं, ये सारी जो मुश्किलें हैं उसका समाधान क्या है, क्या कुछ करें लालू प्रसाद यादव अपनी राशि या अपनी कुंडली के अनुसार जो ये सारी चीजें। देखिए जो दशाएं हैं, चूंकि हमारे देवी और देवता जो हैं वो मंत्रों के वशीभूत हैं, वह निश्चित रूप से उपाय कराते होंगे, उपयुक्त उपाय नहीं होने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब मृत्यु अटल है तो उस समय भी पूजा पाठ करने से बहुत लाभ नहीं मिलता है, कष्ट कम होता है। आपको दूर की यात्रा करनी है और आपको अच्छी गाड़ी मिल गई तो आप जो एग्जर्शन कम होगा और अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। तात्पर्य ये है कि समय इनका जो चल रहा है वो प्रतिकूलता वाला है, ग्रह से संबंधित, गोचर से संबंधित, महादशा अंतरदशा और जो परिस्थितियां बनी हुई हैं इसके अनुसार इनका उपाय कराना, उपचार कराना लाभप्रद होगा, तभी ग्रह जो है मुदित होकर इनको लाभ देंगे। लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से समय इनका बहुत अच्छा नहीं बता रहा है। तो फिलहाल इनका, लालू प्रसाद यादव का जो समय है वो बेहतर नहीं है, सही उपचार की जरूरत है लालू प्रसाद यादव को, ताकि ग्रहों की दशा जो है वो सुधर पाए, ऐसा आचार्य जी का कहना है। देखने वाली बात ये होगी कि जब लालू प्रसाद यादव की अगली तारीख में सुनवाई होती है यानी कि 11 दिसंबर को, तो क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, लालू प्रसाद यादव के ग्रह उनकी कितनी मदद कर पाते हैं, और आने वाला समय यानी कि साल 2021 लालू प्रसाद यादव के लिए क्या नए समाचार लेकर आता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।